फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम HSSC मॉक टेस्ट भाग 6 करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धैल एजुकेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ढोसी तीर्थ किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ढोसी तीर्थ जो है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। तो यह है च्यवन ऋषि की याद में जो है यहाँ पर यह ढोसी तीर्थ है। नेक्स्ट है कि पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था। तो दोस्तों, पलवल को जो है वो 2008 में जिले का दर्जा मिला था, और इससे पहले जो है वो 2005 में मेवात यानी कि जो अब नूह है तो उसको जिले का दर्जा मिला था। तो पलवल जो है वो 21वां जिला था। अभी हरियाणा का जो 22वां जिला है वो है चरखी दादरी, और चरखी दादरी की स्थापना जो है वो 2016 में हुई थी। तो ये जो है अब चरखी दादरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि चरखी दादरी किस वर्ष बना था, तो ये 2016 में बना है, और पलवल जो है वो इससे पहले बना था तो वो 2008 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी पंडित दीनदयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है। तो दोस्तों, ये है माता शीतला मंदिर गुरुग्राम। तो माता शीतला मंदिर गुरुग्राम जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर जो वो साल में लाखों दर्शनार्थी आते हैं, और अभी जो है वो हाल ही में सरकार ने जो वो इसको अपने अधीन लिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हर वीडियो में मैं दो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जिससे कि मुझे आपकी तैयारी का पता चलता रहता है, तो इस वीडियो में भी आपके लिए दो क्वेश्चन हैं। तो इनके आंसर आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन है ए सिरसा, बी फरीदाबाद, सी अंबाला या डी पंचकुला। तो इसका आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि आयुष्मान भारत योजना पायलट प्रोजेक्ट आधार पर किस राज्य में शुरू की गई थी। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी उड़ीसा। तो दोस्तों, ये आयुष्मान भारत जो है ये हेल्थ से जुड़ी हुई योजना है, और इसका जो है वो भी नाम बदलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो किस राज्य में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी पायलट प्रोजेक्ट पे। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे तो उनके आंसर बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चंस मैंने जो मॉक टेस्ट 5 था उसके अंदर पूछे थे। तो क्वेश्चन था कि सन्निहित सरोवर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर दोस्तों कुरुक्षेत्र। तो सन्निहित सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। और दूसरा क्वेश्चन था कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे पुराना स्थल कौन सा है। तो ये है दोस्तों राखी गढ़ी। तो लगभग जो है वो सभी दोस्तों ने इनके आंसर सही दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें। तो इससे जो आपको जो मैं हर रोज़ एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है हरियाणा का। तो यह है दोस्तों अम्बाड़ा। तो अम्बाड़ा को जो है वो वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है जो वन्य जीव अभयारण्य इत्यादि जो है उनसे रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं
उनको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो आपको जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अभी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, तो उसके अंदर मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं वो डाले हुए हैं, तो आप वो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरों में पहने जाने वाले आभूषण किस धातु से बनते हैं। तो जो पैरों में आभूषण होते हैं वो होते हैं चांदी के, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। तो फल्गु का मेला जो है ये फलगांव में लगता है, जो कि कैथल जिले में है, और यह जो है वो बहुत ही सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मेला है। तो इसका आयोजन जो है वो अभी 15 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो है अभी स्टार्ट हुआ है 25 सितंबर से, और ये 15 दिन तक ये मेला जो है वो फल्गु का मेला भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडोला आभूषण महिलाएं शरीर के किस अंग में पहनती है। तो कंडोला आभूषण जो है वो बाजू में पहना जाता है। तो मैंने जो है आभूषण है इनसे रिलेटेड भी एक वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस राज्य में है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है ये है गुरुग्राम में। तो हरियाणा में जो है वो दो मुख्यतः पक्षी विहार हैं, एक तो है सुल्तानपुर अभयारण्य पक्षी विहार है, ये गुरुग्राम में है, और दूसरा है कलेसर जो कि यमुनानगर में है। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक नगर रानिया हरियाणा के किस जिले में है। तो रानिया जो है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है कि पांडु पिंडारा पवित्र स्थान किस नगर के समीप स्थित है। तो पांडु पिंडारा जो है वो जींद के पास है, जींद में, जींद डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर जो है वो कहा जाता है कि पांडवों ने जो युद्ध हो गया था समाप्त हो गया था, तो उसके बाद जो है उन्होंने अपने जो पितर थे तो उनका पिंड दान जो है वो इसी जगह पे किया था जो कि पांडु पिंडारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती यानी कि रेसलिंग। नेक्स्ट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें जो है वो बाबर विजयी हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था। तो पानीपत की तीन लड़ाई हुई है, पहला 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जिसमें बाबर विजयी हुआ था, दूसरा 1556 में, तो ये जो है वो अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था, तो इसमें जो वो बैरम खां यानी कि अकबर विजयी हुआ था। और तीसरी लड़ाई जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, तो इसमें जो है वो अहमद शाह अब्दाली जो है वो विजयी हुआ था। अभी जो है आगे है दोस्तों ये जनरल साइंस जीके के क्वेश्चंस हैं, तो ये जो है एचएसएससी एग्जाम्स के अंदर जनरल साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन है कि मधुमेह के रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है। तो मधुमेह के रोगी को जो है वो इंसुलिन की जो है औषधि दी जाती है, यानी कि उसको जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जैसे कि मलेरिया एक बीमारी है, तो उसी प्रकार भाला क्या है। तो मलेरिया बीमारी है तो उसी प्रकार भाला जो है वो एक हथियार है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है वो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा को जो है वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड लगते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने में। वो चंद्रमा का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है कि फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। तो फेदोमीटर से जो वो समुद्र की गहराई को मापा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सामुद्रिक गहराई। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का
पीएच लगभग कितना होता है, जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो मानव शरीर के रुधिर का जो पीएच मान होता है वो है 7.4। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे इसी तरह आने वाली वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।